नेक्स्ट इज मैक्सिमम कार्डिनलिटी 1:1। तो हमारी 1 to many और many to 1, वो दोनों ही की बात है। हम केसेस कंप्लीट कर चुके हैं, सारे 4 केसेस थे उसके अंदर। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1:1। 1:1 में हम क्या कह रहे हैं, अभी पार्शियल पार्टिसिपेशन फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से पार्शियल पार्टिसिपेशन है। इसके लिए मैंने एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया ताकि थोड़ा सा मीनिंगफुल लगे हमें। डिपार्टमेंट हैज अ चेयरपर्सन, डीआईडी डी नेम इसके एट्रीब्यूट्स, और चेयरपर्सन के अंदर सीआईडी और सी नेम, मतलब चेयरपर्सन नेम और चेयरपर्सन आईडी। ठीक, 1:1 का मतलब क्या होगा, वन डिपार्टमेंट कैन हैव एट मोस्ट वन चेयरपर्सन एंड वन चेयरपर्सन कैन बी प्रेजेंट इन एट मोस्ट वन डिपार्टमेंट, क्योंकि दोनों तरफ से पार्शियल है, ये बात भी हमें याद रखनी है। इसलिए मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, एटमोस्ट। वही बात सारी मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ मिनिमम एंड मैक्सिमम कार्डिनलिटी के वीडियो के अंदर। ठीक, एग्जाम्पल लिया मैंने डिपार्टमेंट के अंदर डीआईडी डी नेम कुछ एंट्रीज और चेयरपर्सन सीआईडी एंड सी नेम के अंदर कुछ कुछ एंट्रीज। अब बात आएगी हैज अ रिलेशनशिप के लिए, क्या करें हैज अ रिलेशनशिप के लिए, एक नई टेबल बनाए। तो वो चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हम ये काम नहीं करेंगे, हम सोचेंगे लिंकिंग करने की। अगर हम किसी तरीके से लिंकिंग करके, मतलब हैज अ रिलेशनशिप का मतलब क्या है, किस डिपार्टमेंट में कौन सा चेयरपर्सन है या कौन सा चेयरपर्सन किस डिपार्टमेंट में जा रहा है, व्हाट डज दिस मीन, हमें सिर्फ इन दोनों टेबल्स को आपस में लिंक करना है, दैट्स इट। अगर हम लिंकिंग करके, हमारा काम हो गया, हैज अ रिलेशनशिप अपने आप से इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं, मैंने आपको रूल क्या बताया था, प्राइमरी की ऑफ वन साइड विल एक्ट एज फॉरेन की ऑफ मेनी साइड, ये चीज हम पहले देख चुके हैं, वही बात हम यहां कोशिश करेंगे। प्राइमरी की ऑफ वन साइड विल एक्ट एज फॉरेन की ऑफ, यहां मैनी की बजाय क्या हो गया, वन। अब दोनों तरफ वन है, दोनों ही तरफ की हम एक दूसरे की जगह पे लेके जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मतलब मैं डिपार्टमेंट वाली प्राइमरी की को उठा के यहां ले जा सकता हूं और चेयरपर्सन वाली की को उठा के यहां ले जा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों बातों में। देख लो, जैसे हम सीआईडी को उठा के यहां ले आते हैं, सीआईडी एज ए फॉरेन की हम ले आए, इस डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन से C102 था तो हमने यहां एंट्री कर देंगे, D102 का से फिलहाल अभी कोई चेयरपर्सन नहीं है तो हम उसको नल भी छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब क्या मुझे बताइए, क्या डिपार्टमेंट D10 में दो चेयरपर्सन हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1:2 many नहीं है, ये 1:1 है। तो हम आराम से ये सब एंट्रीज कर पा रहे हैं, दैट मीन्स देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ये इसको रिपीट, मतलब यहाँ पे कॉमा डाल के हमें लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि 1:1 है, तो इसको कभी रिपीट नहीं करना पड़ेगा, एंड सो ऑन, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, जैसे हम पहले देखा करते थे। सो यहाँ पे हमारा काम चल जाएगा। सिमिलरली अगर आप ये चीज नहीं करना चाहते, सीआईडी यहां नहीं लेके आना चाहते, तो आप यहां पे डीआईडी ले जाइए, टीआईडी एज ए फॉरेन की ले जाओ, और C102 का यू कैन से कौन से डिपार्टमेंट का था, D101 का था, और यहां पे हमने नल भर दिया। यहां पे भी सेम बात बोलेंगे, कॉमा डाल के लिखने का मेरा कोई लॉजिक ही नहीं है क्योंकि मैंने 1:1 शो करिए आपको, एक चेयरपर्सन ज्यादा से ज्यादा एक डिपार्टमेंट में जाएगा। ये चेयरपर्सन फिलहाल किसी डिपार्टमेंट में नहीं जा रहा, मतलब ये हमारी assumption है कि अभी जस्ट अपॉइंट किया, बाद में देखेंगे इसको किसका चेयरपर्सन बनाना है, एंड सो ऑन। और चेयरपर्सन 102 जो था वो डिपार्टमेंट 101 में जा रहा था, दो तीन डिपार्टमेंट में जा नहीं सकता क्योंकि 1:2 many नहीं है, 1:1 है, सो कॉमा डाल के हमें लिखना नहीं पड़ेगा, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आराम से चलता रहेगा। क्योंकि वही बात है, कॉमा डाल लिखते थे तो फिर हमें नेक्स्ट एंट्री करनी पड़ती थी, इसको रिपीट करना पड़ता था, वो सब प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए चाहे चेयरपर्सन आईडी को उठा के यहाँ ले जाओ, चाहे डिपार्टमेंट आईडी को उठा के यहाँ ले जाओ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमारा काम आराम से चलता रहेगा। एक छोटे से बात और याद रखना, इसका मतलब क्या है कि हमें डीआईडी को यूनिकनेस कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा, मतलब जो भी हम फॉरेन की बना के लेके जाएंगे उस पे हमें यूनिकनेस कंस्ट्रेंट डालना पड़ेगा। अगर आप यूनिकनेस कंस्ट्रेंट नहीं डालेंगे तो फिर वही बात है, रिपीट हो जाएगा, रिपीट होने से हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। तो याद रखना, जब भी 1:1 वाली बात आएगी, किसी भी साइड की प्राइमरी की को उठा के हम दूसरे साइड लेके जा सकते हैं, बट उस पे यूनिकनेस कंस्ट्रेंट इज मस्ट। बिना यूनिकनेस कंस्टेंट के क्या प्रॉब्लम होगी, हम फॉरेन की को रिपीट कर देंगे, और फॉरेन की को रिपीट करते ही, जैसे हमने यहाँ पे दोबारा से D101 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, D101 एक ही डिपार्टमेंट के अंदर दो दो चेयरपर्सन हो सकते थे, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक, तो याद रखना यूनिकनेस कंस्टेंट जरूर लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा, कैन वी मर्ज दीज टू टेबल्स, जो हमने ये दो टेबल्स बनाई है, क्या हम इनको मर्ज कर सकते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, अगर मर्ज कर सकते होंगे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि प्राइमरी की कौन सी। ये मैंने 4 कॉलम की टेबल बनाई थी, जो डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, चेयरपर्सन आईडी, चेयरपर्सन नेम, हाँ जी, प्राइमरी की कौन सी। अगर मैं इस बात का आंसर कर गया तो मैं क्या कह दूंगा, ठीक है मर्जिंग पॉसिबल है, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल 1 हो जाएगा। अगर मैं आंसर नहीं कर पाया तो क्या बोल दूंगा, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल विल बी 2 ओनली। तो देखिए क्या करें,
सोचिए प्राइमरी की कौन सी। अगर आपके मन में आता है कि मैं चेयरपर्सन आईडी को प्राइमरी की बना देता हूं, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आराम से आ जाना चाहिए, जैसे मेरे पास कोई डिपार्टमेंट D101 आया, डिपार्टमेंट नेम इससे ए, उसके अंदर अभी फिलहाल कोई चेयरपर्सन नहीं आया, तो मैं इस टपल की एंट्री नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, तो मतलब डिपार्टमेंट आ ही नहीं पा रहा बिना चेयरपर्सन के। ये चीज मैंने यहां तो नहीं कही, मैंने तो कहा है कि डिपार्टमेंट आ सकता है बिना चेयरपर्सन के, पार्शियल पार्टिसिपेशन थी, ये टपल नहीं आ पा रहा, दैट मीन्स चेयरपर्सन आईडी को मैं प्राइमरी की नहीं बना सकता। फिर माइंड में आएगा कि डिपार्टमेंट आईडी को बना दो, सेम वही क्वेश्चन मैं आप दोबारा से पूछूंगा, ठीक है ये वाला टपल तो आप अलाउड कर दोगे अगर आपने डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की बना दिया तो, लेकिन क्या ये एंट्री कर पाओगे C101 नेम इससे एक्स, इसका भी मैंने कोई डिपार्टमेंट फिक्स नहीं करा, ये एंट्री मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब अब रिवर्स हो जाएगी प्रॉब्लम, चेयरपर्सन नहीं आ पाएगा बिना डिपार्टमेंट के, अगेन प्रॉब्लम है, मतलब ना तो ये प्राइमरी की बन पा रही है ना ये प्राइमरी की बन पा रही है। अब प्लीज ये तो मत सोचना कि दोनों को मिला के प्राइमरी की बनाता, वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम प्राइमरी की नहीं सोच पा रहे, दैट मींस मिनिमम नंबर ऑफ टेबल फॉर दिस डिजाइन विल बी 2, ये चीज माइंड में रखना, ठीक। दोनों तरफ अगर पार्शियल आ रही है तो मिनिमम नंबर ऑफ टेबल विल बी 2 ओनली, 1 पे हम लोग शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। अब आएगा मैक्सिमम कार्डिनलिटी 1:1 विद टोटल ऑन वन साइड एंड पार्शियल ऑन वन साइड, ठीक। हम यहां लिख देते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन फ्रॉम वन साइड एंड टोटल फ्रॉम अनदर साइड, ठीक हम यहां लिख देते हैं एंड या नीचे लिख देते हैं एंड टोटल फ्रॉम अदर साइड, दूसरी साइड से टोटल, ठीक ओके। तो एक तरफ टोटल मैं दिखा देता हूं, दूसरी तरफ हम अपने आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने डिपार्टमेंट वाली साइड या चेयरपर्सन वाली साइड से टोटल दिखा दी, ठीक ये थोड़ा अच्छा लगेगा, कोई चेयरपर्सन एग्जिस्ट नहीं करेगा बिना डिपार्टमेंट के, बट डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं कि बिना चेयरपर्सन के, मतलब हमने भी कोई चेयरपर्सन अभी में अपॉइंट नहीं किया, बट चेयरपर्सन एग्जिस्ट नहीं करेगा बिना डिपार्टमेंट के, मतलब किसका चेयरपर्सन हो, तो आप चेयरपर्सन जैसे ही अपॉइंट करते हैं तो इमीडिएटली उसका डिपार्टमेंट आप साथ साथ डिसाइड करवा देते हैं, ये भी नहीं है यहाँ पे, मतलब हर एक चेयरपर्सन मिनिमम एक डिपार्टमेंट जाएगा, रादर एग्जैक्टली एक डिपार्टमेंट जाएगा, क्योंकि 1:1 है, तो ईच चेयरपर्सन विल बी असाइन टू एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट, वन डिपार्टमेंट विल कैन हैव एट मोस्ट वन चेयरपर्सन, क्योंकि यहां से पार्शियल है इसलिए मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, और यहां से क्या कहेंगे एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट, ठीक ओके। तो खैर इस चीज को अब मेरे को इम्प्लीमेंट करना है, हम लोग अब देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए वही चीज है डिपार्टमेंट और चेयरपर्सन, मेन बात याद रखना जिस तरफ टोटल है ना वहां यहाँ की प्राइमरी की उठा के मेरे को यहाँ लेके जानी पड़ेगी, क्यों क्योंकि मैं फ्री नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने चेयरपर्सन आईडी को चेयरपर्सन टेबल को फ्री छोड़ दिया ना, मतलब यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट नहीं लाया, जितने चाहूंगे उतने चेयरपर्सन की एंट्री कर जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या होगा बिना डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन आने शुरू हो जाएंगे, तो हमें इसको फ्री नहीं छोड़ना, तो यहाँ की प्राइमरी की उठा के यहाँ लेके जानी पड़ेगी, यहाँ की प्राइमरी की यहाँ अब ले जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक ये हमारी मजबूरी रहेगी। सो हमने यहाँ पे वैसे पहले ही काम किया हुआ है, डिपार्टमेंट आईडी को यहाँ पे फॉरेन की बना के ले जाएंगे, और आप कॉमन सेंस से सोच पा रहे होंगे इस पे मुझे नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा, बिना नॉट नल के ये काम नहीं चलेगा। और साथ साथ शायद आप ये भी गेस कर पा रहे होंगे क्योंकि 1:1 है तो यूनिकनेस तो साथ आना ही आना है, यूनिकनेस भी आएगा नॉट नल भी आएगा, व्हाई बिकॉज 1:1 है, ये चीज मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ठीक। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, यूनिकनेस एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट डल जाएगा, तो यहां पे देखिए एंट्री से D101 कर दिया हमने और यहां पे D102 कर दिया, क्या किसी चेयरपर्सन की एंट्री में कर सकता हूं बिना डिपार्टमेंट के, बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या चेयरपर्सन 4 आ जाए उसका नाम डी है, क्या D101 आ सकता है, बिल्कुल नहीं। अगर D101 दोबारा आ गया तो मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर दो दो चेयरपर्सन, दैट इज नॉट अलाउड, ये चीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर मैं दो दो चेयरपर्सन घुसा दूं, दैट इज नॉट अलाउड। तो इसलिए ये टपल भी गलत है और ये वाला टपल भी गलत है, क्यों क्योंकि एक चेयरपर्सन बिना डिपार्टमेंट के आ रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड, ठीक ओके। सो तो अल्टीमेटली हमने इस चीज को भी इम्प्लीमेंट कर दिया, इस पे नॉट नल और यूनिकनेस कंस्ट्रेंट डाल दिया, दिस विल बी माय प्राइमरी की ओनली, ओके। अब वही क्वेश्चन आएगा कैन बी मर्ज दीज टू टेबल्स, अगर मर्ज कर सकते हैं तो सोचिए प्राइमरी की कौन सी होगी।
देखिए हमें चेयरपर्सन नहीं चाहिए बिना डिपार्टमेंट के, बट डिपार्टमेंट तो चाहिए बिना चेयरपर्सन के। तो देखिए ये वाला टप्पल तो मेरे को अलाउड करना ही करना है ना, डिपार्टमेंट चाहिए बिना चेयरपर्सन के बिल्कुल, बट चेयरपर्सन नहीं चाहिए बिना डिपार्टमेंट के, ये चीज भी हमें अलाउ करनी है। तो व्हाट डज दिस मीन, डिपार्टमेंट आईडी विल बी माय प्राइमरी की, क्योंकि अगर मैंने डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की बनाया तो डिपार्टमेंट आईडी मतलब हमें डालनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट आते रहेंगे बिना चेयरपर्सन के, बट चेयरपर्सन नहीं आएंगे बिना डिपार्टमेंट के। ये एक्स है, ये कोई क्रॉस नहीं है, दिस इज एक्स। ओके हाँ, तो चेयरपर्सन 101 उसका नेम एक्स है। तो ये चीज अलाउड है, ये चीज भी अलाउड है, मतलब हमारे सारे केसेस कंप्लीट हो पा रहे हैं। सॉरी ये चीज अलाउड बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि चेयरपर्सन आ रहा है बिना डिपार्टमेंट के, दैट इज नॉट अलाउड। ये चीज हमें चाहिए थी, प्रायोरिटी कैन नॉट बी नल, सो दिस इज नॉट अलाउड। तो दोनों केसेस आ रहे हैं, दैट मींस हम मर्ज कर पा रहे हैं। अगेन एक्सेप्शन आ गई जो मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक के लिए अलग अलग टेबल बनती है, हर एक कैंडिडेट टाइप के लिए। सो यहाँ पे हमने अलग अलग टेबल नहीं बनाई, तो मर्जिंग इज पॉसिबल, यस, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल इज 1 ओनली। ठीक, अब इस तरफ टोटल, इस तरफ पार्शियल, आई थिंक वो केस एकदम ट्रिवियल हो जाएगा, वो हमें बनाने की भी जरूरत नहीं है। अब हम आएंगे लास्ट केस पे, मतलब दोनों तरफ टोटल। ठीक, इससे इसको स्टार्ट करने से पहले एक ये बात भी आप समझ लीजिए, सपोज कीजिए मेरे पास से 100 ऐसे चेयरपर्सन थे, या यू कैन से 100 ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जिनमें कोई चेयरपर्सन नहीं था, अननेसेसरी इसके अंदर नल आएंगे, बट कोई बात नहीं, मैं उस चीज को अलाउ कर दूंगा, अननेसेसरी नल आने दो, बट मतलब यू कैन से कि डिजाइन इज नॉट एफिशिएंट, बट स्टिल मर्जिंग इज पॉसिबल, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल 1 ही रहेगा। ठीक, अब हम आते हैं फाइनल केस पे, दोनों तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन। अगर दोनों तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन होगा तो ना तो डिपार्टमेंट आएगा बिना चेयरपर्सन के, ना ही चेयरपर्सन आएंगे बिना डिपार्टमेंट के। तो व्हाट दिस मीन, यहाँ की प्राइमरी की उठा के वहां ले जानी पड़ेगी, यूनिकनेस नॉट नल डालना पड़ेगा, यहाँ की प्राइमरी की उठा के यहाँ लानी पड़ेगी, यूनिकनेस और नॉट नल कंस्ट्रेंट डालना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे चेयरपर्सन आईडी को भी लेके आना पड़ेगा और इस पे आपको यूनिकनेस एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट डालना पड़ेगा। यूनिकनेस, ये हमने क्या लिखा, यूनिकनेस एंड नॉट नल, यू लिख दिया हमने इसका, यूनिकनेस एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट डालना पड़ेगा ऑन चेयरपर्सन आईडी, और वहां पे यूनिकनेस एंड नॉट नल ऑन डिपार्टमेंट आईडी डालना पड़ेगा। वही बात है, इलॉजिकल लगेगा, यहाँ की उठा के वहां, वहां की उठा के वहां, बेटर एक ही टेबल बनाओ, अपना काम खत्म करो। सो हम लोग एक ही टेबल बना देते हैं, और अब वही बात आएगी कि इसकी प्राइमरी की कौन सी होगी। प्राइमरी की हमें नजर आ रही होगी, या तो डिपार्टमेंट आईडी बना दो या चेयरपर्सन आईडी बना दो, जो आपका मन करे उसको प्राइमरी की बना दो, बट जिसको प्राइमरी की बनाओगे जो दूसरी बच जाएगी उस पे आपको यूनिकनेस एंड नॉट नल डालना पड़ेगा, याद रखना, यूनिकनेस एंड नॉट नल। कारण आई थिंक आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा, जैसे हमने इसको प्राइमरी की बनाया तो इस पे तो अपने आप ही लग गया यूनिकनेस नॉट नल, और इसको हमने छोड़ दिया था तो इस पे यूनिकनेस नॉट नल साथ साथ डालना पड़ेगा, ताकि ऐसा कोई डिपार्टमेंट ना है जिसमें कोई चेयरपर्सन ना हो, ऐसा कोई चेयरपर्सन है जिसमें कोई डिपार्टमेंट ना हो, मतलब ऐसा कोई चेयरपर्सन ना हो जो किसी डिपार्टमेंट में ना जा रहा हो, दोनों काम हमें करके दिखाने पड़ेंगे। मतलब फिलहाल ये दोनों टपल गलत है, ये क्यों गलत है, क्योंकि ये इसमें कोई चेयरपर्सन ही नहीं है, ये क्यों गलत है, क्योंकि चेयरपर्सन किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। अब एक बात ये भी सोचिए, क्या मैं ऐसे अगर इस चीज को मैं अलाउ करूं जैसे, तो फिर हमें यहां लिखना पड़ेगा C101 और X, ये टपल बिल्कुल ठीक है, और साथ साथ अगर मैं यहाँ पे D101 नेम से C102 लिख दूं और Y लिख दूं, क्या ये अलाउड होगा, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी की डुप्लीकेट हो रही है, और यहां से हमें ये भी समझ आ रहा होगा कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर दो दो चेयरपर्सन है, मैंने को उनको अलाउ नहीं करना था। सिमिलरली मैंने इस पे यूनिकनेस क्यों डाला है, ये बात भी सोचिए, अगर मैं यहाँ पे D102 लिख देता, से दिस इज D102, और यहाँ पे मैं वापस से C101 लिख देता, तो क्या होता, एक ही चेयरपर्सन दो दो डिपार्टमेंट में चला जाता, और वो भी मेरे को अलाउ नहीं करना, क्योंकि 1-to-1 चल रहा था, हेंस इस पे यूनिकनेस एंड नॉट नल डालना पड़ेगा। ठीक, ओके, तो अल्टीमेटली फाइनली हम क्या बोलेंगे, सिर्फ एक ही टेबल हमें बनानी पड़ेगी, और यस कैन बी मर्ज इनटू टेबल, यस दिस इज ऑल्सो आवर आंसर। तो अगेन वही समरी फटाफट से देखते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट कार्डिनलिटी पे जंप करेंगे। तो समरी विल बी वेरी सिंपल। फर्स्ट केस हमने ये देखा, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स 2 ही बनी थी। नेक्स्ट केस हमने ये देखा, इसमें एक ही टेबल बनी थी मिनिमम, बट नल जबरदस्ती के नल हमने घुसाए थे, कोई बात नहीं उनको आने दो, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल तो बन ही रहेगा, और इसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ टेबल बन रहेगा। इसमें क्या फायदा होगा, इसमें कभी भी नल नहीं आएंगे जबरदस्ती के, अननेसेसरी नल कभी नहीं आएंगे,
क्योंकि दोनों तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन है, ना तो डिपार्टमेंट आएगा बिना चेयरपर्सन के, ना ही चेयरपर्सन आएगा बिना डिपार्टमेंट के, देर विल बी नो अननेसेसरी नल्स, बट यहाँ पे अननेसेसरी नल्स आएंगे। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल का क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ पे दो बोलेंगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ये बात याद रखना। फोर्थ केस वो ट्रिवियल था, वो मैंने छोड़ दिया है, आई थिंक आप सभी को गैस हो रहा होगा, अगर ये होगा तो बस इसको ऐसे फ्लिप कर दो, डिपार्टमेंट चेयरपर्सन था, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट, ऐसे फ्लिप कर दो, सेम टू सेम हमारे पास आंसर आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट विल गिव मी वन टेबल ऑफ दी। ठीक, ओके।